साहिबगंज में साइबर ठगी का एक अनूठा मामला सामने आया है, जहां करीब आपको बताया कि गरीब आदिवासियों को मच्छरदानी के आड़ में ठगी का शिकार बनाया गया। क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट के जरिए समझिए। क्राइम और ठगी की घटना के बारे में आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी ठगी के बारे में बता रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी। ये है साहिबगंज जिला स्थित तालझारी पंचायत का तिलभिटा गांव। तस्वीरों में नजर आ रहे ये सभी लोग अनोखी ठगी के शिकार हैं। दरअसल बीते 14 अगस्त को 4 से 5 की संख्या में गांव में पहुंचे ठगों ने ग्रामीणों को ठगी का शिकार बनाया। सभी ने ग्रामीणों को झांसा दिया कि वो स्वास्थ्य विभाग के एनजीओ से हैं और गाँव में मुफ्त मच्छरदानी बांटने पहुँचे हैं। मुफ्त मच्छरदानी बांटने के नाम पर सभी ग्रामीणों का आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट लेकर सभी ठग चले गए। अगले दिन ग्रामीणों को पता चला कि उनके बैंक खाते से पैसा गायब हो चुका है। हम लोग साहिबगंज से एनजीओ तरफ से हम लोग आए हैं, स्वास्थ्य विभाग से ऐसा बोल रहा था सर। और वो लोग मतलब कि यहाँ आया था तो हम लोगों का आधार कार्ड ले लिया और आधार कार्ड से टिपावा करवा के स्टैम्प पैड से टिपा करवा के रजिस्टर में टिपा करवाया था और वो लोग जल वितरण किया था। इसके बाद हम लोग 14 अगस्त को पार हो गया। इसके बाद 16 अगस्त को हम लोग पैसा वैसा लेडीज़ लोग गई थी बैंक ये अपना खाता चेक करने के लिए, पेंशन पाने के लिए। इसके बाद वो लेडीज़ बोली थी कि बैंक पे जाए तो गई तो बोली कि तुम लोगों का पैसा तो निकल गया है, किसी का 20,000, किसी का 30,000, किसी का 4,000, किसी का 6,000 करके वो लोग निकल के गया है। अभी तक वो लोग निकल ही रहा है। शिकायत किए हैं, देखिए अभी तक मैंने थाना में हम लोग लिखित तौर पर दिए हैं। अभी तक कोई उसका एक्शन नहीं, अभी भी मैंने पैसा निकल रहा है उसका, कोई मैंने अभी तक उन लोगों के पास ये आवाज गूंज गई ना कुछ हुआ। जो भी है बैंक में जो भी है, 5% हो, 2% हो, 100 हो, 300 हो, वो लोग निकलते रह रहा अभी। कोई कोई मतलब होल्ड करवाया वो सबका कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो नहीं किया है नहीं जान रही है उन लोगों को, तब भी पैसा निकल जा रहा है। ठगी का शिकार हुए लोगों ने पुलिस में शिकायत की। एसपी ने एक टीम का गठन कर मामले की जाँच की बात कही है। ठगी का मामला जो प्रकाश में आया है, जिसमें कुछ लोग भोले भाले लोगों को सिग्नेचर करा के एक ठगी का कार्य किया जा रहा है, उसको हम लोगों ने संज्ञान में लिया है और उसमें जो मामला दर्ज करके पुलिस अनुसंधान कर रही है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बढ़रवा, पुलिस निरीक्षक बढ़रवा और थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम बना दी गई है, वो त्वरित गति से अनुसंधान कर रही है, जल्दी ही हम लोग अपराधियों को पकड़ पाएंगे। साइबर ठग लोगों को ठगने के लिए रोज रोज नए तरीके इजाद कर रहे हैं, लेकिन साहिबगंज में ठगी का यह मामला अपने आप में अनूठा है। बहरहाल पुलिस इस मामले की जांच कर अपराधियों तक पहुंच पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात है। जरूरी है कि हम सब जागरूक बने और ठगी से बचने के लिए अपने आधार कार्ड और निजी जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें। न्यूज़ 11 भारत के लिए साहिबगंज से सुधाकर की रिपोर्ट। साइबर क्राइम और लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।